शहर मैसूर में बीड़ी मजदूरों के लिए मकानात बनने का जो प्रोग्राम हमने डाला था, राजीव गांधी उस वक्त के वजीर हिंद थे जो, तो उनको इस काम का है ना संगे बुनियाद डालने के लिए दावत दी थी। तो राजीव गांधी से वो खत आया था कि वो अपने अगले प्रोग्राम में मैसूर का ये प्रोग्राम ये संगे बुनियाद डालने के लिए मंजूरी दे दिए थे। तो इसी तरीके से साल 1989 में यहाँ पे जब संगे बुनियाद रखा गया, राजीव गांधी आए थे, तो वो पुराने जितने भी फाइल्स थे उसमें खत मिला है। तो निशानगी के तौर पर उसका एक जेरॉक्स फ्रेम बनाकर मेरे हाथ में दिए हैं। तो पुरानी यादें जो भी है ये हमारे लिए नए तौर से काम करने के लिए भी, तो बेबाकी के साथ काम करने का जो अंदाज हमारे वालिद का था, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उस तरीके से काम करेंगे। اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جناب عالی آج مینار حلقے کے نہرو نگر جہاں پر آپ پہنچے ہوئے ہیں، کس ترقیاتی کام کو لے کر جو ہے آج یہاں پر آغاز ہوا؟ دیکھیے نہرو نگر साल 1994 में आश्रय के तहत यहाँ पे मकानात बनाए गए थे। उस वक्त ये एनआर हल्के से बाहर का इलाका था। 2008 से ये नरसिंहराज हल्के का हिस्सा बना, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि एनआर हल्के के आश्रय के मकानात यहाँ बने थे, यहाँ के तरक्की के काम उस दिन से लेकर लगातार चलते आए हैं। और
यहाँ लगभग 5 कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चले हैं और हर वक्त इसका है ना एरिया चेंज होता रहा और कॉर्पोरेटर्स भी है ना यहाँ से बदलते रहे। अब मौजूदा वार्ड नंबर 34 के तहत ये नेहरू नगर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 34 एक मिसाली वार्ड है क्योंकि हर मसले को लेकर एक अनोखे तरीके से उसे हल करने की एक कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इसकी वजह यह है कि कॉर्पोरेट के साथ साथ यहाँ जितने तंजीमें हैं और जितने तालीमें याफ्ता लोग हैं वो अपने आप इस सिस्टम के साथ जुड़कर और यहाँ रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, मस्जिद की कमिटियाँ और दीगर जो कमिटियाँ हैं उनको साथ लेकर है ना यहाँ का काम करते आए हैं। यहाँ जो भी काम होना था इससे पहले ये सब हुआ है, लेकिन लगातार हमारे सामने जो मसला पेश आ रहा था वो यूजीडी का है। आज मैं ये भी कह दूं कि नरसिंह राजा हल्के में इससे पहले चाहे वो उदयगिरी का हल्का हो, बिल्ली मंडप का हल्का हो या हमारा है ना गोकुलम से जो यूजीडी का पानी आ रहा है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 5 पैकेजेस में इसका काम करने के लिए हमने एस्टिमेट्स बनाए हैं। 3 पैकेज में काम शुरू हुआ है और यहाँ आज जो काम हम करने आए हैं खासतौर से नवीन क्रॉस, दसवीं क्रॉस, 11 क्रॉस का है ना यहाँ यूजीडी का जो मसला था इसके लिए 25 लाख के लागत से है ना आज है ना रीसेटिंग का काम हमने शुरू किया है। इसके अलावा और लगभग 1.5 किलोमीटर के जितना यूजीडी का काम यहाँ बाकी है। इसके साथ साथ आज यहाँ के आवाम जो मसला हमारे सामने रखे हैं ये मसला सिर्फ नेहरू नगर के लिए महफूज नहीं है, ये पूरे शहर का है क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा रकम की है ना पानी की बिल आ गई है। इसको लेकर है ना हुकूमत के सामने 1 से 4 मरतबा हमने एक वन टाइम सेटलमेंट का एक प्लान लेकर गए थे जिसमें ब्याज को है ना पूरे तौर से माफ़ करने की भी हमने मांग रखी थी। तो इस लिहाज से जहाँ कैलकुलेशंस में गलतियाँ हुई हैं क्योंकि इससे पहले कभी हमारे नरसिंह राजा हल्के में पाइपलाइन के जरिए पानी देना बड़ा मुश्किल का काम था, लॉरी के अलावा हमारे पास है ना कहीं पानी नहीं आता था, बोरवेल डाले तो बोरवेल में पानी नहीं आता था। तो ऐसे इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जनाब शौकत पाशा एक नई तरकीब हमारे सामने लाए हैं कि एक एक इलाके को अलग-अलग से वहाँ के मसाइल को हल करने की एक कोशिश करें। तो मैंने हमारे ऑफिसर्स को भी है ना मैंने हिदायत दी है क्योंकि 2008 से ये इलाका नरसिंह राजा हल्के में जमा, इससे पहले चामुंडेश्वरी के हल्के में था और यहाँ उस वक्त हमारे पास यहाँ पीने के पानी की भी दिक्कत थी, लॉरी के अलावा दूसरा कोई पानी का इंतजाम यहाँ नहीं था। इसके बावजूद 1994 से लेकर लगातार लोगों को है ना बिल कैलकुलेट किए हैं, इसे किस तरीके से हल करना है इस चीज़ को भी हम सामने रखकर आने वाले दिनों में इसे हल करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ यूजीडी का जो मसला है ये आमतौर से हर जगह है, तो जहाँ कहीं भी ये काम हो रहा है इसे फिर एक बार रास्ता जहाँ खराब हो रहा है उसे है ना दुरुस्त करने के लिए, रेस्टोरेशन करने के लिए, उसे एक नया पैकेज बनाने के लिए भी आज हुकूमत से मेरी जो मांग थी इसके तहत मुझे डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आया है इसे बाकायदा जहाँ जिस इलाके में जो काम होना है इसे सही तरीके से कॉर्पोरेशन से यूजीडी का काम होगा, पानी का काम होगा, फिर उस वहाँ रास्ते बनाने का काम एमएलए ग्रांट्स में करने के लिए हमने तय किए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जहाँ कहीं भी जो मसला है इसे हल करने के लिए लगातार ये जो कोशिश जारी है
इसे इंशाल्लाह और जोरों से काम करने की कोशिश करें। आज चार क्रॉस का जो यूजीडी का काम हम लिए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह 25 लाख रुपए में हम ये काम है ना शुरू किए हैं। जी जनाब, किसी शुक्र पाशा साहब, आज आपके वार्ड में जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब आए हुए हैं, तो आप जो है बाकायदा हाजिर हैं, क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वार्ड का ही नहीं, मैं वार्ड नंबर 34 से सीमित रहूंगा, क्योंकि मैं पहले यहाँ का कॉरपोरेटर रहा हूँ, उसके बाद में मेरी अहिल्या कॉरपोरेटर रही है। तो मेरी अहिल्या जब कॉरपोरेटर हुई तो उस वक्त ये वार्ड ये हिस्सा जो है वार्ड 34 में जमा हुआ था। इसके पहले अन्नया उसके कॉरपोरेटर है, अन्नया के पीरियड में बहुत सारे काम यहाँ पर हुए हैं। उसके दरमियान में जब हम आए तो यहाँ पर यूजीडी और उसके साथ में डेक्स जो पूरे टूट गए थे वो, और सबसे ज्यादा क्या कर बोला तो मोहरियाँ चरणियाँ जो ही चरणियाँ की सहूलत बिल्कुल नहीं थी, तो उस तरफ ध्यान देते हुए वहाँ पर चरणियाँ का डेक्स 8 से 10 डेक्स बनाए हैं, और उसके बाद में दूसरा काम अभी तो कॉरपोरेशन के जरिए चल रहा है। लेकिन एक साथ हमारे हरदिल अजीज जनाब एमएलए साहब को मैं दरख्वास्त दिया था ऐसा 6, 7, 8, 9 में जो है रेगुलर कंप्लेंट्स है यूडी का, और कॉरपोरेशन के ग्रांट्स जो बिल जो आते हैं वो 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख कैसे आते हैं, जो एक एरिया में एक गली में डाले तो ख़त्म हो जाती है, उस तरीके का रहता है, रजिस्ट्रेशन नहीं रहता। तो उन्होंने फौरन उसके ऊपर तवज्जा देकर जो है कौन से क्रॉस हैं मुझे मालूम कराओ बोलकर मालूम कराने से उनको 9, 10, 11 जो रेगुलर प्रॉब्लम है और 6 में प्रॉब्लम है वहाँ बोले सो एस्टिमेट कर कर आज 25 लाख का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ ये काम के बाद तकरीबन 80% से ज्यादा जो है ये काम इसका यूजीडी का काम जो है, खाली यूजीडी का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद मेंटेनेंस रहता है, मेंटेनेंस का जो तरीके से करना वो काम होता है, उसके साथ में मोहरियाँ और जरा डेक्स और स्टार मोटर ड्रेन जो इसे लगकर आती है वहां पर जरा गलियों को सीधा ऐसा है वो जाको सीधा आदमी बच्चे साइकिल पर गए तो उतर जाती है, वो टिप्स है वो स्टार मोटर ड्रेन से पर वॉल जो बनने के रहते वो स्टोन वॉल उसके वास्ते भी कमिश्नर को 12 लाख रुपए सैंक्शन कर गए थे, लेकिन वो काम डेक्स में इस्तेमाल हो गया और इस वजह से वो पर्टिकुलरली ये हाथा जो है नेहरू नगर का वो गलियों को लगकर जो स्टार मोटर ड्रेन जो प्रोटेक्शन नहीं है उसका जरा खास ख्याल रखकर वो एक काम करा कर दिया कर वो कर रहे, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी बहुत से काम, ये तो शुरुआत है, अभी अल्लाह अल्लाह बोलकर 4 महीने 5 महीने आकर जो डे वन से काम पे हर सिटी के हल्के में लगे हुए हैं, अभी बहुत टाइम बाकी है और हमें उम्मीद भी है कि और ऊंचे ओहदे पर जाएंगे, इसके डबल ट्रिपल काम जो है हमारे हिस्से में होगा। Thank you.